जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो फेक वीडियो है, दो तीन फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी दो दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा, उन लोगों को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ दो वीडियो का खंडन किया है, उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है और इसका केंद्र सरकार की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है, मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूं। पहले बिहार के जितने ये शो कॉल नेता हैं इनको जरा बोल लेने दीजिए कि बिहार तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, सच्चाई ये है। और ये क्यों है पहले आप ये समझिए, तमिलनाडु में केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45, उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये घटना घट रही है।